गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर सब प्रिय भाई और बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप इस वचन से प्रेम करते हैं क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और आप इस सेवकाई के लिए प्रार्थना भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कीजिए। हम क्या सुनते हैं ये हमारे चरित्र का निर्माण करता है, हमारे आचरण का निर्माण करता है और हमारा विश्वास भी इस पर आधारित होता है। रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय 17 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यानी जब हम उस विश्वास के वचन को सुनते हैं और उस विश्वास के वचन को सुनते सुनते हमें उस पर विश्वास होना शुरू हो जाता है और हम अपने फेथ में, अपने विश्वास की उस मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं। परंतु जैसे विश्वास सुनने से आता है वैसे ही अविश्वास भी सुनने से आ सकता है। वो कैसे आता है, देखिए दूसरा तिमोथी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय जब हम देखते हैं, वहां 16 वचन को जब हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है, पर अशुद्ध बकवास से बचा रह क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। अशुद्ध बकवास, इंग्लिश में लिखा है शन प्रोफेन एंड वेन बबलिंग्स। देखिए आज एक ऐसे समय में हम जी रहे हैं जब बहुत सारे मीडियास, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, बहुत सी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, गूगल में जाकर बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं, मानो मुट्ठी के अंदर संसार को कर लिया है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है, जब पौलुस इस तिमोथी को, जो उसका आत्मिक पुत्र है, उसे उस सेवकाई को करने के लिए जब गाइडेंस दे रहा है तो वो जानते क्या कह रहा है, अशुद्ध बकवास से बचा रहा। क्योंकि अगर आप अपने विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप एक उत्तम चरित्र का निर्माण करना चाहते हो, तो इस प्रकार की अशुद्ध बकवासों से और ऐसी बातों से जो मनुष्य को खुश करने वाली हो, उनसे बचा रह, क्योंकि ऐसे करने से वो अभक्ति में बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम क्या सुनते हैं। देखिए कई बार घर में जो बच्चे होते हैं, आप अगर उनसे ये कहते रहें तो उससे ये नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तू किसी काम का नहीं है। मैं माता पिताओं से अनुरोध करना चाहता हूं, अपने बच्चों को कभी भी ऐसा मत बोलिए, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से दिए गए दान है, वो परमेश्वर की गिफ्ट है हमारे लिए। अगर वो कमजोर भी हैं, अगर वो अपने एरिया में अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पा रहे हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, परंतु उनसे निराशा की बातें मत कीजिए, क्योंकि अगर उन्होंने उस पर ध्यान लगाना शुरू किया तो फिर वो धीरे धीरे वही हो जाएंगे जो आप चाहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मृत्यु और जीवन हमारे जीभ के वश में होती है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको कहूंगा, एक छोटी सी कहानी है। एक टॉडलर्स, जो छोटे छोटे मेंढक होते हैं, वो आपस में बातें कर रहे थे और उन्होंने कहा, हम एक बहुत ऊंचे टावर पर चढ़ेंगे। वो टावर पर चढ़ने के लिए सब तैयार हो गए, लेकिन जो एडल्ट और बड़े टॉडलर थे,
जो मेंढक थे उन्होंने कहा, तुम ये नहीं कर पाओगे क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। लेकिन ये लोग जोशीले थे, इन्होंने कहा नहीं हम करेंगे, और वो लोग उसके लिए तैयार हो गए। एक दिन नियुक्त किया गया और बड़ी भारी भीड़ वहां पर उन्हें देखने के लिए आई, और वो दौड़ शुरू हुई, दौड़ना शुरू किया, उस पोल पर ऊंचे टावर पर चढ़ना शुरू किया। लेकिन जो दोनों तरफ के जो दर्शक थे वो अधिकतर ये कह रहे थे, ये नहीं कर पाएंगे, इनसे नहीं हो पाएगा, देखना अभी अभी रुक जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर आज तक कोई गया ही नहीं। लेकिन वो चल रहे थे, कुछ गिर रहे थे, कुछ थक रहे थे, कुछ निराशा में बैठ गए, कुछ की हिम्मत टूट गई, वो जा नहीं पाए। लेकिन अंत में एक उन पूरी ऊंचाइयों को लांघता हुआ उसके सबसे टॉप के उस लक्ष्य पर पहुंच गया। अब ये सब बहुत हैरान हो गए, लोग आए इसके पास पूछने के लिए, भाई तुमने कैसे ये किया, ये तो असंभव था क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया, तुमने ये कैसे किया। और उससे आकर जब पूछना शुरू किया तो ये कोई जवाब नहीं दे रहा है, ये कुछ उत्तर नहीं दे रहा है। जब काफी इससे पूछा और जवाब नहीं मिला, तब उसके जो मित्र थे वो आए और उन्होंने एक रहस्योद्घाटन किया। जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, ये जो है ना, जो सबसे ऊंचाइयों पर चढ़ा है, ये बहरा है, ये सुनता नहीं है। आपको समझ में आया होगा, जब ये लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे, लोगों ने बहुत कुछ कहा, निराश करने वाली बातें, उनके उत्साह को ठंडा करने वाली बातें, उनके लक्ष्य से उन्हें रोकने वाली बातें लोगों ने, उस बाकी टॉडलर्स ने सुना। जब उन्होंने सुना तो वो ऑलरेडी थके हुए तो थे, उन्हें लगने लगा कि अब यह हो नहीं सकता। लेकिन चूंकि इसने सुना ही नहीं, इसने अपने मन के अंदर के उस विश्वास को, उस आत्मविश्वास को, उस जोश को कम नहीं होने दिया और वो सबसे ऊंचाइयों पर चढ़ गया। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप अपने इस विश्वास की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, आपका एक लक्ष्य है जो प्रभु यीशु के बादलों पर प्रकट होने के समय पूरा होगा, वो आपको भी अपने साथ हमेशा के लिए रखेगा। लेकिन इस यात्रा के दरमियान बहुत सी नकारात्मक बातों को आप सुनते हैं, जो आपके विश्वास से आपको पीछे हटा देती हैं, आपको डरा देती हैं, आपके हिम्मत को तोड़ देती हैं, और आप निराशा की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर आपने इन पर ध्यान दिया तो आप भी उन्हीं लोगों के समान अभक्ति में बढ़ते जाएंगे, यानी विश्वास से दूर होते चले जाएंगे। कानों को बंद कीजिए कुछ बातों को सुनने से जो आपके जीवन में निराशा को और पराजय को लेकर आती है, लेकिन कानों को खोलिए परमेश्वरीय बातों को सुनने के लिए। और जब आप इस बातों को सुन रहे हैं, इस वचन को जब सुन रहे हैं, आपका विश्वास बढ़ेगा। मैं विश्वास करता हूं क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। निराश मत होइए, हिम्मत मत हारिए, बस अपने कानों को उन आवाजों से बंद रखिए जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाती हैं, आपके मार्ग से आपको डिविएट करती हैं। अगर आप उन पर कान देते रहेंगे तो आप भी, जैसा पौलुस कहता है, उनके समान अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। क्योंकि अगर आप इन्हें सुनते रहेंगे, इन्हें आप इन पर ध्यान देते रहेंगे, तो जानते हैं क्या होगा, ये आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे, ये आपके मस्तिष्क में पहुंच जाएंगे और ये आपके विश्वास को खा जाएंगे, जैसे एक कैंसर जो अच्छे सेल्स को खाकर वो बढ़ता जाता है, ठीक उसी प्रकार आपका विश्वास भी कमजोर हो जाएगा। देखिए पौलुस क्या कहता है तिमोथियुस को, उसी 17 वचन में, उनका वचन सड़े घाव की नाई फैलता जाएगा। एक तरह से ये कैंसर है, बढ़ता जाएगा अगर आप ध्यान देंगे।
उन बातों को छोड़ दीजिए, विश्वास की बातों को कहिए, विश्वास की बातों को मनन कीजिए, विश्वास की बातों पर चलिए, आप उस अनंत लक्ष्य की ओर उत्साह के साथ आगे बढ़िए। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूं, आज बहुत से लोग इन बातों पर मन लगा रहे हैं, गॉसिप करते हैं फोन पर घंटों, जिनका कोई और छोर नहीं है, लेकिन उसका 10% समय भी अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनने में आप लगाएं, आपका हृदय, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। और आप ऐसा कीजिए मेरे भाई बहन, जब आप एक बार करना शुरू करेंगे, प्रभु आपको और उसकी ओर आकर्षित करेगा और आपका जीवन अनुग्रहित होगा। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, ये जो सीरीज है हम क्या सुनते हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम आगे बढ़े और आपकी महिमा को हम कर सकें। जो बातों हमें नहीं सुननी है उससे कान हटाकर जैसे यीशु ने अनसुनी कर दिया, दाऊद दूसरी तरफ मुड़ गया, हम भी अनसुना कर उन बातों को भूलकर, जैसा पौलुस कहता है, सब बातों को भूलकर एक ही काम करता हूं, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता हूं, हम भी उसी अनंत जीवन की ओर आगे बढ़े यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे।